के आदमी को हाय बोलते हैं, ऐसे बात करते हैं ना, कोई आदर सत्कार ना नमस्ते, हाय अंकल। अरे बिल्कुल ही निर्लज्ज है यार। अरे अगर झुक के सम्मान नहीं दे सकती हो, नमस्ते नहीं कर सकती हो, आदर सत्कार नहीं कर सकती हो, तो ये सब हरकतें भी मत करो। समझती क्या है अपने आप को? ये सब मॉडर्न गिरी अपने सास ससुर को दिखाए, हमका ना दिखावे, हम झूठा पकड़ के खींच दे वो खास। बढ़िया होते हेमा मालिनी बन के घूम रहे, तुम्हारा पति डरता होगा तुमसे, हम नहीं डरते हैं। हमको क्या करना है यार, हमको क्या लेना देना है तुम बताओ? हमको बस चिंता इनके भविष्य की होती है। पता है गलती इसमें सारी सुमित्रा की है, ये लोग ना सख्ती नहीं कर पाए। थोड़ी सी भी अगर आंखें टेढ़ी रखती ना, तब देखते भला ये मेम साहब कैसे हवा में उड़ पाती। अभी ना कोई रोक है ना कोई टोक, जहाँ मनाता है वहाँ जाती है, जो मनाता है वो करती है कोई पाबंदी? तुम बताओ हमको। और अब तुमको इससे ज्यादा क्या बताएं, जब कहो घर में कोई ना हो तो नीचे उतर आवे, धनिया मिर्चा लेने लगती है। अब बताओ शोभा देता है क्या कि तुम नीचे उतर के उन सब्जी वालों से खीसे निपोर रही हो, वहाँ पे धनिया मिर्चा पे मोल भाव कर रहे हो? क्या बोलेंगे लोग कि फलाने की बहू ऐसी है? एक तो हमें ना उसकी भाषा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दुकान वाले के सामने खड़े होके बोलेगी भैया, वो दूसरे वाले भैया तो सस्ती धनिया दे रहे हैं। भैया क्या होता है यार, मुंह में हवा भरे हो क्या? भैया बोलो साधारण। लक्षण दिखावा थी सबका कि देखो हम कितने पढ़े लिखे हैं। सुमित्रा की किस्मत तो इतनी फूटी निकली है कि हम तुमको क्या बताएं, वो बेचारी खुद छज्जे तक में नहीं खड़ी होती थी। ये देखो धनिया।